हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो गया है मॉर्निंग, हम लोग आए हैं थोड़ा सा नीचे क्योंकि आज है होली और रात को हुआ था होली का दहन। तो बस होली का दहन हुआ हो गया था तो हम लोग आए हैं बस नीचे थोड़ी सी राख लेने के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना कि जो होली का की राख होती है उसको घर में लाना अच्छा होता है, और उससे जैसे छोटे बच्चे कुछ बीमार होते हैं तो उनको थोड़ा सा लगा दो तो अच्छा हो जाता है। तो वही मैं थोड़ा सा राख लेने आई हूँ। और आज होली है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और भगवान से उम्मीद करती हूँ कि सारे लोगों की लाइफ में ऐसी ही खुशियाँ देता रहे। होली के जैसे होली के रंग है वैसे आपकी लाइफ में भी हजारों रंग आए, और आप ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो, और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो बस मैं जस्ट अभी घर आ गई हूँ, मिल्क पैकेट भी आ गया था, तो बस अभी हम लोग चाय बनाएंगे क्योंकि मैं गई थी नीचे तब ये दोनों लोग नहीं जगे थे, राही एंड पापा, तो ये लोग भी अभी जग गए हैं। और अभी चाय वगैरह पी के मैं करूँगी भगवान जी की पूजा। तो जो ये मैं राख लेके आई थी ना, उसी राख से मैंने क्या किया है, थोड़ा से स्वास्तिक्स बना दिए हैं, क्योंकि अगर हम ये जो हमारे गुरुदेव हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इनके अगर हम प्रवचन सुनते हैं ना तो वो ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो उन्हीं ने ऐसा बताया था ना कि मतलब जो राखी जो होलिका की राख होती है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के उसके स्वास्तिक बनाओ, अच्छा होता है, घर के लिए शुभ होता है। तो बस मैंने पूजा कर दी थी और स्वास्तिक बना दिए थे, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज ही नीचे होली सेलिब्रेशन बहुत अच्छा तामझाम लगा हुआ है, आज तो रेन डांस है, और ठंड भी इतना लग रहा है ना, पता है रात को बारिश आई थी तो बारिश की वजह से तो आज सुबह से ही एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा मौसम है और ऐसा लग रहा है ठंड बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो अभी तो बन गया है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज इन्होंने ही बना लिया था पोहा, क्योंकि मैं दूसरे काम में लगी थी तो इन्होंने बना लिया था पोहा। और बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। इनके लिए विदित वराही के लिए पिचकारी लाना रह गया था तो इनके लिए पिचकारी लेके आना है। एक्चुअली मुझे लगा कि ओल्ड वाली दोनों पिचकारी रखी हुई है, लेकिन मैंने अभी ढूंढा मॉर्निंग में तो मुझे कहीं भी नहीं मिला था, तो फिर सोचा चलो दूसरा ही लेके आ जाते हैं। तो हम लोग बस अभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे पहले इनके लिए पिचकारी लेने के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। और नीचे जाने के लिए भी इतना एक्साइटेड हो रहे क्योंकि सारे बच्चे आ गए हैं ना आज सुबह से, मतलब 9 बजे से बच्चे नीचे आ गए थे, तो इनको भी नीचे जाना था लेकिन पिचकारी भी लेने जाना था। तो पहले हम लोग पिचकारी लेके आएंगे उसके बाद जाएंगे नीचे। तो अभी पहुंच गए हैं पिचकारी शॉप पे, बट यहाँ पर कोई भी पिचकारी अच्छी नहीं थी, सब में से पानी लीक हो रहा था। फिर दूसरी दुकान पे गए, वहाँ पर हमें पिचकारी मिल गई थी, तो फिर पिचकारी हम लोगों ने ले लिया है वहाँ से।
ठंड लग रही तो चलो ना भी घर जाके नहा लेना फटाफट। हाँ बकेट तुम भी गए थे, जल्दी बकेट लेके आ। हैप्पी होली, और होली हो गई, कदम अब जाके हम नहाएंगे। ना क्या ये बता, फेस दिखा अपना। ले पापा के लिए भी ले जा चल। इतना एक डेढ़ महीना हो गया रखा हुआ, तो क्या हुआ, तो 6 महीने तक रखा रहता है, फ्रिज में रखा था मैंने। लो ले भी, तो आपको खाना है कि नहीं? मेरे दांत के बीच में तो वो ब्लैक ब्लैक सीढ़ी चले गया। तो क्या हो गया, सीढ़ी तो अच्छा लगता है। दांत के अंदर चले गया। तो अभी हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद मैंने दाल राइस सब्जी खीर बना ली थी और अब बना ली पूरी। और ये देखो हमारा खाना तैयार हो गया है, आज बनी है दाल चावल सब्जी पूरी और साथ में बनी है खीर। और एकदम शुगर बहुत कम है, टेस्ट करो। मैंने कम शुगर डाली है, पूरी के साथ तो एकदम तीखी लग रही है और बिंदी भी नहीं लग रही है। राही आ जाओ, साबुदाना की खीर नहीं है, साबुदाना की नहीं बनाई है, आटे की बनाई है। यम यम यम। हाँ यम यम यम, खाओ। ये क्या टी शर्ट पहन ली हो? भैया ने दिया। भैया का टी शर्ट पहन लिया है। भैया ने बोला। कैसे बनी है खीर? अच्छी बनी? चलो भैया कैसे बनी है? हाँ? इधर देखो। वाटर। टेस्टी है। यम्मी यम्मी वाटर। अभी हम लोगों का खाना वगैरह हो गया है और सारा किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। और जब तक किचन क्लीन नहीं रहता ना, मुझे क्लीन में अच्छा नहीं लगता है किचन, तो मेरा सारा किचन भी क्लीन हो गया है। और जो बचा हुआ खाना था, जो खाना मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। और पूरी खाई तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाना चाहिए, तो बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। भाई सो गई हूँ आप? राही हूँ, आज भैया का टी शर्ट पहन लिया है। क्या हुआ? क्या गया बॉडी में? कुछ नहीं, पर अभी एक नया सर्दी भी हो गई। सर्दी नहीं आपको? सर्दी नहीं हुई, पर कुछ अगर बारिश आती है तो कुछ उल्टी जैसे लगता है ना बॉडी में जाने तक। ऐसा कहाँ लगता है, बारिश आती है तो उल्टी होती है क्या? सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। आहा ठंड लग रही है, अब भी जस्ट खाना खा के बाहर आए। देखो बाहर का वेदर, तो एकदम बारिश आ रही है ना, बहुत ठंड लग रही है। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिया है और आ गए अपने बेडरूम में। सोच रहे थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि विदित एंड पापा ने खाने के बाद उनको बोला कि विदित को थोड़ा सा पढ़ा दो, तो पढ़ाई तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन दोनों बाप बेटे सो गए। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।